ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत, मोदी प्रेम में गाया गीत। सीएम योगी का आज मुरादाबाद दौरा, पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे, 2 घंटे चलेगा कार्यक्रम। दीपावली से पहले ही दिल्ली की हवा खराब, एनसीआर में गाजियाबाद का हाल बुरा, एक्यूआई में 21 अंकों की बढ़ोतरी। पेट्रोल के दामों में फिर से इजाफा, दिल्ली में 109 रुपए हुआ पेट्रोल, डीजल 97 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कप 26 में शामिल होने के लिए सोमवार सुबह ही ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 1 और 2 नवंबर को ग्लासगो में रहेंगे। इस दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भीड़ में मौजूद एक बच्चे से पीएम मोदी ने बातचीत की। होटल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गीत गाया। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए ग्लासगो में 2 हफ्ते तक चलने वाले गहन सम्मेलन की रविवार को शुरुआत हुई। इस सम्मेलन 12 नवंबर तक होगा। इस दौरान भारत की तरफ से जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया जा सकता है। ये शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जिसने इसके लिए इटली के साथ साझेदारी की है। ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्वांचल की सियासत को बारीकी से समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ और वाराणसी में प्रवास कर यहां की सियासी नब्ज टटोल सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वाराणसी में 12 नवंबर को एक दिन में 8 से ज्यादा बैठकें लेंगे। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 13 नवंबर को रैली कर भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद भी कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा पूरा होने के साथ ही पूर्वांचल प्रवास की रणनीति तैयार की गई है। इसमें अलग अलग संगठनात्मक बैठकों के साथ ही समाज में पैठ रखने वाले लोगों के साथ वो चर्चा करेंगे। इस दौरान काशी क्षेत्र के 71 विधानसभा सीटों पर सक्रिय दावेदार, पूर्व प्रत्याशी, विधायक सहित अन्य लोगों की रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा कर सकते हैं। तो भाजपा के चुनावी अंदाज में एक नया मोड़ देखने के लिए मिल सकता है। पूर्वांचल की नब्ज टटोलते हुए अमित शाह नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में गृहमंत्री अमित शाह पूर्वांचल के तमाम विधानसभाओं में जनसभा कर सकते हैं, बूथ स्तर पर चर्चा हो सकती है, बैठकों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके हैं और अब पूर्वांचल में भी इसका शंखनाद होने जा रहा है। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से आ गए हैं और एक बार फिर से पुरजोर मेहनत की जा रही है, वो भाषण दिए जा रहे हैं ताकि लोगों तक उसकी गूंज सुनाई दे, जो काम सरकार ने किए हैं उसकी गूंज लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद आएंगे, वो करीब 2.25 घंटे यहां रहेंगे। इस दौरान वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा वो पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 1008 लाभार्थियों को आवासों की चाबी भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ से राजकीय विमान से सोमवार की सुबह मूढ़ा पांडे हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहाँ से वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां से कार द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच 9:15 बजे पुलिस एकेडमी पहुंच गए हैं और यहां पर 2017 बैच के प्रदेश को मिलने वाले 72 नए डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड के बतौर मुख्य अतिथि ले रहे हैं।
को डायरेक्टर और अकादमी के एसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि इसमें 18 महिला डिप्टी एसपी भी शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रूबी सिद्दीकी मेरी सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, किस तरह की तैयारियां वहां देखने के लिए मिल रही हैं? देखिए सर, जो तैयारी को लेकर रास्ते ही पूरी हो चुके थे और लगभग समय जो बताया गया था 9:15 बजे पहुंच चुके हैं। और जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज मुरादाबाद में सीएम के 2-4 प्रोग्राम लगे हुए हैं और इसके साथ ही साथ हर जगह पे तकरीबन आधा घंटे का समय निश्चित किया गया है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अब जो भी जिले बाकी हैं उन सभी जिलों में लगातार अपनी दौरा कर रहे हैं ताकि जो समय है उसका वो पूरी तरीके से जनता तक। रूबी, मुरादाबाद में क्या सिर्फ पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे या कोई सियासी दौरा भी उनका है? साजू, देखिए सियासी दौरा तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे जहाँ पे इनको बुलाया गया मुख्य अतिथि के तौर पे। और खास तौर से यहाँ पे मुरादाबाद में आज का जो परेड में सलामी लेने को बोला गया था तो उसका वहाँ पहुंचे और उसके साथ ही साथ लाभार्थियों को वहाँ पे योजना जो थी उसकी वो चाबी सौंपेंगे। और इसके साथ ही साथ मुरादाबाद की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं पहले से भी इंतजार था कि मुरादाबाद की तरफ का योगी आदित्यनाथ का कोई भी दौरा अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि कई जिले के ऐसे निरीक्षण वो खुद कर चुके थे, लेकिन ये मुरादाबाद का अपना पहला दौरा हुआ है। और कहीं ना कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि चुनावी दाव जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ के पास भी समय कम बचे हुए और ऐसे में जनसभा हो या फिर रैली हो अपनी बातों को अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए उसका एक ये माध्यम है। बिल्कुल रूबी, देखा जाए तो आज ये भी जानकारी मिल रही है कि करीब 1008 लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, जिनको उनके आवास की चाबी भी योगी आदित्यनाथ सौंप सकते हैं। क्या इस दौरान वहां की जनता का संबोधन भी करेंगे? जी बिल्कुल काजोल, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ में जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आधे घंटे का उनका जो प्रोग्राम होता है वो जरूर संबोधन का होता है। और उसमें सभी हाल ही में मैं बता दूं, अभी कल भी लखनऊ में उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसमें भी उन्होंने विपक्ष में जमकर हमला बोला था। और आज भी कयास इसी बात को लेकर लगाया जा रहा है कि आज भी तकरीबन आधे घंटे का उनका संबोधन होगा और कहीं ना कहीं फिर एक बार विपक्ष को लगाई जाएगी। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो अब इस बात की गुरेज नहीं कर रहे हैं कि चुनावी संग्राम हो या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन विपक्ष पे हमला बोलने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी कमर कर चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूबी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं करीब 1008 बताए जा रहे हैं उनको उनके आवासों की चाबियां भी सौंप सकते हैं। उम्मीद है कि मुरादाबाद की जनता को एक खास संबोधन भी दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ। गोवा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से किसानों के कर्ज माफी पर दिए बयान को लेकर पंजाब में राजनीति गरमा गई है। श्रीमणि, अकाली दल ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से किसानों के कर्ज माफी संबंधी एक रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि गोवा में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया कि कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सरकार बनने के बाद वो इस वादे को पूरा भी किया गया, पंजाब जाकर इस बात को कंफर्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे भी किए जाते हैं। तो किसानों के कर्ज माफी पर पंजाब में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल राहुल ने एक बयान दिया और राहुल गांधी के इस बयान से पंजाब की राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल श्रीमणि अकाली दल बेहद नाराज नजर आ रहा है इस बयान से। राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर गोवा में बयान दिया, जिसको लेकर पंजाब सरकार अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक बार फिर से पढ़ती हुई, एक बार फिर से उसे चेक करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जो भी अपने घोषणा पत्र में लिखती है, जो भी वादे दावे करती है, वो पूरे करके दिखाती है। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सोमवार से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है या दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचे हैं उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी टीम की होगी। उत्तर प्रदेश में भी इसके तहत विभिन्न ब्लॉकों में बनाए क्लस्टर में शामिल गाँवों में सोमवार से टीकाकरण शिविर लगेंगे। गाँव को 3 हिस्सों में बांटकर टीके लगाए जाएंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में अभियान की जानकारी साझा की थी। इस बीच रविवार दोपहर तक देश में टीकाकरण 106 करोड़ पार कर गया है। इनमें से 32.88 करोड़ लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। हालांकि एकल खुराक का टीकाकरण अभी 73 करोड़ से ज्यादा है। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरी खुराक लेने टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंचे। इनकी तलाश और नए लोगों के पंजीयन के लिए सरकार ने एक महीने तक देश भर में अभियान चलाए जाने का फैसला किया है। तो टीकाकरण में बढ़ोतरी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। हर घर दस्तक यह अभियान का नाम रखा गया है, यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या दूसरी खुराक किसी कारणवश उन्हें नहीं लग पाई है या उन्होंने नहीं लगवाई है, तो उनके घरों तक अब जो टीम है वो पहुंचेगी और वहीं पर यानी कि उनके घर पर ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश हो सकता है। तो टीकाकरण में बढ़ोतरी को लेकर विशेष अभियान की तैयारियां कर ली गई हैं। शहरों से लेकर गांव तक अब वैक्सीनेशन सब तक पहुंचेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण 19 महीनों बाद आज से पहली से लेकर आठवीं तक का निजी और सरकारी स्कूल खुले हैं। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों के स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। बीते सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए थे। डीडीएमए ने आदेश में कहा था कि स्कूलों को कक्षा में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। आदेश के बाद निजी स्कूल अभिभावकों को सहमति प्रपत्र भेजने की प्रक्रिया भी होगी है। तो दिल्ली में आज से 1 से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, तमाम चीज़ों में छूट मिल रही है और इसी कड़ी में आज से स्कूल खुल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, जो पेरेंट्स हैं उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस जारी रहेंगी। बच्चों का टेम्परेचर नापना होगा, स्कूल प्रबंधन को ध्यान रखना होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट ठीक हो, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ठीक हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा रहा है अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों को पानी की बॉटल और खाना घर से ही देकर भेजे। और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। बच्चों की यहां पर खास ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है स्कूलों को, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभिभावक परमिशन देंगे तभी उनके बच्चे स्कूल आ सकते हैं। कोई भी उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले 24 घंटों के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में औसत AQI 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 289 दर्ज किया गया है। शनिवार को ये 278 था। एनसीआर में गाजियाबाद 342 का AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा। दूसरे स्थान पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होने के साथ सबसे प्रदूषित रही। अगले 2 दिनों में हवा की दिशा बदलने के कारण हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार हो सकता है। आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में दिवाली के आसपास इस तरह का मौसम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पराली धरने से जलाई जाती है। इस वजह से पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हवा की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो दिल्ली है, NCR है, यहाँ की आबोहवा पूरी तरह से दूषित नज़र आती है। तो ऐसे में सभी लोगों से लगातार अपील की जाती है गवर्नमेंट द्वारा कि वो मास्क लगाएं। वैसे भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना ही है और जितना हो सके घरों में रहें, बेवजह बाहर ना घूमें जब तक मौसम सही ना हो। तो दिवाली से पहले ही हालात बेहद बदतर नज़र आ रहे हैं। दिल्ली NCR की आबोहवा दूषित नज़र आ रही है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पांचवें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 34 से 39 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर गहरा असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 109.9 रुपए जबकि डीजल का दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115, डीजल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 110 जबकि डीजल का दाम 101 है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 106 रुपए तो वहीं डीजल 102 रुपए लीटर बिक रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 109, 106, 104, 102 इस तरह के जो पेट्रोल के दाम है वो अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 109 रुपए पेट्रोल हो चुका है। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है। ऐसे में आम जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आती है। जम्मू कश्मीर में सोमवार से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 24 घंटों में कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने की वजह से भारी बारिश या बर्फबारी जैसी कोई चेतावनी नहीं है। ज्यादातर मौसम बिगड़ने का असर कश्मीर संभाग में ही दिखेगा। 2 नवम्बर को दोपहर बाद मौसम साफ हो जाएगा और 4 नवम्बर दीपावली पर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम बिगड़ने का असर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भी पड़ सकता है। सामरिक रूप से इस अहम हाईवे पर बर्फबारी या बारिश होने पर भूस्खलन की आशंका भी बनी रहती है। दरअसल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य रामबन है और बनिहाल में कई जगहों पर चल रहा है। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता परेशानियां बनी रह सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज से मौसम करवट बदल सकता है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। निचले इलाकों हैं वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले काफी ज्यादा हो गए हैं। कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अस्पताल में भी भारी संख्या में भर्ती मरीज दिख रहे हैं। बिगड़ी स्थिति को देखते हुए अब केंद्र इस मामले में अपना हस्तक्षेप करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दिल्ली सरकार संग एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में वर्तमान डेंगू स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्र का प्रयास है कि राजधानी में अब डेंगू के मामले और ज्यादा ना बढ़े। ऐसे में वो दिल्ली सरकार की हर संभव मदद करना चाहती है। आपको बता दूं कि दिल्ली में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार पुरजोर मेहनत कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मामले अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। अस्पताल में भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है। आज एक खास बैठक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के में विपक्षी दलों के कार्य को लेकर उनके ऊपर जोरदार हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी ने गन्ना संस्थान के हाल में विपक्षी दलों के देश और प्रदेश के कार्यकाल की भाजपा के सरकारों के कार्यकाल की तुलना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब अमन चैन दिखने लगा है। हमने कानून व्यवस्था पर काफी जोर दिया है। पहले गुंडे सरकारी संपत्तियों को हड़पते थे, उनकी दहशत के कारण संभ्रांत परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, लेकिन अब अपराधियों को मालूम है कि राज्य सरकार का बुलडोजर खड़ा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो बीजेपी का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। अयोध्या में पीएनबी की महिला अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की आत्महत्या को लेकर अब यूपी में सियासत शुरू हो गई है। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ जा सकती हैं और वहां वो श्रद्धा गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं इससे पहले भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी की आत्महत्या मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर
सीधा आरोप है वो यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इससे सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो पीएनबी अधिकारी की सुसाइड पर सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी मिल सकती हैं, इसी जानकारी मिल रही है। इससे पहले अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और लड़कियां इस पार्टी के शासनकाल में खुद पर होने वाले अत्याचार को भूली नहीं है। स्मृति ने लखनऊ की बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजित धरोहर कुशल हाथों की सफल उड़ान कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव की रणबेला में अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम राष्ट्रनीति से ओतप्रोत होकर समाज कल्याण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। स्मृति ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह की ओर से साल 2014 में लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो लोग आज चुनाव के समय रणभूमि में उतरकर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं है वो मंजर जब उसकी प्रताड़ना होती थी, क्योंकि एक विशेष राजनीतिक उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे थे जिसका दुस्साहस इतना था कि वो कहते थे कि लड़कियां हैं तो लड़कों से तो गलती हो जाती है। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत डकैत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कदन के सामने कोई मंडी नहीं है तो फिर राकेश टिकैत कहां अनाज बेचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी में भाव नहीं मिल रहा इसलिए वो संसद में मंडी लगाएंगे। वहीं राकेश टिकैत पर पलटवार करते हुए कहा कि अन्य लोग यहाँ अनाज बेचते हैं, राकेश टिकैत भी वहां अनाज बेचे। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वो कोई खरीदार नहीं है। देश में अनाज मंडियां हैं इसलिए मंडी में अनाज ले जाए। वहीं आगे साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में लेकर जाए अनाज, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें पूरी इजाजत है, लेकिन सदन लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ कानून बनते हैं वहां अनाज नहीं बेचा जाता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार पर घसियारी योजना के नामकरण के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने शहर की ओर लगातार ये कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं शाह द्वारा, वो पूरी तरह से हम उन्हें खारिज करते हैं। निश शराब आज बीजेपी के राज में भी बिक रही है, इससे किसी की भी मौत होने की अब तक जानकारी नहीं है। शाह की चुनौती स्वीकार कर उन्होंने कहा कि वो किसी भी स्थान पर शाह से बहस को तैयार है। राज्यवासियों को शाह के दौरे और संबोधन से निराशा हाथ लगी है, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। देखिए मंच पर कौन नेता किस तरीके का की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता, मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सारी अपनी फौज फर्रा सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।